सीआईटी एनसीई आर टी प्रेजेंट्स ट्रायलिंगल डिक्शनरी ऑफ जोग्राफी फॉर स्कूल्स भूगोल विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्दकोश जोग्राफिया की लगत स्कूलों के लिए सहेलसानी. इंडेक्स लेटर जी गैलेक्सी पेज फिफ्टी गाउचोस पेज फिफ्टी जोग्राफी पेज फिफ्टी geographic information system gis page 50 geoid page 50 geology page 50 geomagnetic field page 50 geomagnetism page 50 geomorphology page 51 geostrophic wind page 51 geosyncline page 51 Geothermal Page 51 Geothermal Gradient Page 51 Giza Page 51 Ghat Page 52 Glacier Page 52 Globalization Page 52 Globe Page 52 Global Positioning System GPS. Page 52. Global Warming. Page 53. Nice. Page 53. Gondwana Land. Page 53. Gorge. Page 53. Graben. Page 53. Gradation. Page 53. Gradient of Slope. Page 53. Granite. Page 53 Grassland. Page 53 Gravel. Page 54 Gravity. Page 54 Greenhouse Effect. Page 54 Greenhouse Gases. Page 54 Green Revolution. Page 54 Greenwich Main Time. GMT. Page 55 Grid. Page 55. Gross Domestic Product. GDP. Page 55. Groundwater. Page 55. Groundwater Table. Page 55. Growing Season. Page 56. Growth Rate of Population. Page 56. Gulf. Page 56. Gulf Stream. Page 56. Gully. Page 56. Now, let's move to the Dictionary of Geography. G. Page 50. Galaxy. A large group of billions of stars together with dust and gases in the space which are held together by gravity. Galaxy. अथवा मंदाकिनी अथवा आकाशगंगा आकाश में अरबों तारों का धूल और गैस के साथ एक बड़ा समूह जो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ा रहता है कहकशा खला में गैस और गुब्बार के साथ कुवत कशिश की वजह से एक दूसरे के साथ बंधे हुए अरबों सितारों का एक गिरोह गाउचोस मिक्सड एथनिक ग्रुप ऑफ यूरोपियंस एंड अमेरिकन इंडियंस हु लुक आफ्ट कैटल गाओचो यूरोपीय और अमेरिकन इंडियन निजातियों का एक मिश्रित समूह जो पशुओं की देखभाल करता है गाओचो यूरोपीय और अमरीकी हिंदुस्तानियों की मखलूत नस्ली जमात जो मवेशियों की देखभाल करती है जियोग्राफी इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फीचर्स एंड प्रोसेस ऑफ द अर्थ सर्फेस विच मेकअप इट्स फिजिकल एंड ह्यूमन एनवायरमेंट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जियो मीनिंग दर्थ एंड ग्रेफोज मीनिंग डिस्क्रिप्शन भूगोल ये पृथ्वी के भौतिक और मानवीय पर्यावरण का निर्माण करने वाले धरातलीय लक्षणों और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है ये दो ग्रीक शब्दों जियो पृथ्वी और ग्राफोस वर्णन से बना है जिसका अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन जोग्राफिया सतह ज़मीन की खसूसियात और अवामिल का साइंसी मुताला जिसमें तबयी और मसनू माहौल शामिल हैं ये दो लैटिनी लफ्ज से माखूज है जियो बमानी जमीन और ग्राफोस बमानी वज़ाहत है geographic information system gis a powerful and widely used computer software program designed to capture store update integrate manipulate analyze and display large volume of geographical data gis maps can convey all information that a conventional map does but it is quicker इट कैन ओवरले डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा एंड बिल्ड क्वेरीज एंड कैन मेक को रिलेटिव एनालिसिस भौगोलिक सूचना तंत्र एक सशक्त और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो बहुत बड़े परिमाण के भौगोलिक आंकड़ों का ग्रहण भंडारण अद्यतन पुराने को नई सूचना से बदलना एकीकरण आवश्यकता अनुसार फेरबदल विश्लेषण और प्रदर्शन करता है भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग कर बनाए गए मानचित्र किसी भी परंपरागत मानचित्र पर दी गई सभी सूचनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं और वह भी अतिशीघ्र यह विभिन्न प्रकार वर्गों के आंकड़ों या सूचनाओं को एक दूसरे के ऊपर स्थापित करना प्रश्नों की रचना एवं सहसंबंधी विश्लेषण भी कर सकता है जोग्राफियाई मालूमती निज़ाम बड़ा कार्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो ज़ग्राफियाई आदाद शुमार की वसी मत हासिल करने जखीरा करने ताज़ा तरीन बनाने हम आहंग करने ज़रूरत के मुताबिक बनाने तज् करने और जाहिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जी आई एस नक्शे वो सभी मालूम फराहम कर सकते हैं जो रिवायती नक्शे करते हैं लेकिन ये तेजी से करते हैं ये कई यादाद शुमार के जुमरे को एक दूसरे पर मुसलत करके उनसे बाहमी तज्याती मुता कर सकता है जियोइड द शेप ऑफ द अर्थ विच इज स्लाइटली फ्लैटनड एट पोल्स ऑबलेट स्पेराइड एंड बल्ज एट द इक्वेटर इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड इट मीन्स अर्थ लाइक शेप भूआब पृथ्वी की आकृति या आकार जो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और विषुवत वृत्त के पास उभरी हुई है भू कहलाती है अतः भू का अर्थ है पृथ्वी के समान आकृति ज्योआइट जमीन की असल शक्ल जो कुतबैन पर हल्की सी सपाट नारंगी नुमा कुर्रा और ख़ते इस्तिवा पर उभरी हुई है जियोआइट कहलाती है जियइट का मतलब है जमीन की तरह जियोलॉजी द स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ इट्स रॉक्स भू विज्ञान भूगर्भशास्त्र शैलों के आधार पर पृथ्वी के संगठन संरचना और इसके विकासीय इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन अर्जियात चट्टानों के मुताले की बुनियाद पर जमीन की साख्त तरकीब और इर्तिकायी तारीख का मुताला। जियो मैग्नेटिक फील्ड इट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इट्स एक्सिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द अर्थ देर फॉर द मैग्नेटिक नॉर्थ डिफर्स फ्रॉम ट्रू नॉर्थ भू चुंबकीय क्षेत्र ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है इसका अक्ष पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष से थोड़ा भिन्न है इसलिए चुंबकीय उत्तर और वास्तविक उत्तर में अंतर होता है अर्जी मकनातीसी इलाका ये जमीन का मकनातीसी इलाका है इसका महवर जमीन के गर्दिशी महवर से कुछ मुख्तलिफ है इसलिए मकनातीसी शुमाल असल शुमाल से मुख्तलिफ होता है जियोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिकली ससेप्टेबल मिनरल टू गेट अलाइन्ड टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रॉक फॉर्मेशन भू चुंबकत्व शैलों के निर्माण की अवधि में चुंबकीय प्रवृत्ति वाले खनिजों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार अनुयोजित या सरेखित होने का गुण पेज फिफ्टी अर्जी मकना चट्टान की तश्कील के दौरान इनमें मौजूद मादनियात की मकनातीसी असर पजीरी की वजह से अपने को जमीन के मकनातीसी इलाके की सीध में रखने का वसफ जियोमोर्फॉलोजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर्स प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स भू आकृति विज्ञान भू आकृतियों के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें भू आकृति संरचना और प्रक्रियाओं के मध्य आपसी संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है अशकाल अराजी अशकाल अर्जी जमीन के इरताई अश्काल का साइंसी मुताला इसमें साख्त अमल और जमीनी हैत के दरमियान रिश्तों का मुताला शामिल है जियोस्ट्रोफिक विंड It is the horizontal flow of air, wind, in the upper atmosphere. As a result of two opposite forces, namely, the pressure gradient forces in one direction and Coriolis force, deflective force, in the opposite direction, results in movement of these winds parallel to isobars. Vikshe Pivayu ऊपरी वायुमंडल में वायु का क्षैतिज प्रवाह है जो समदाब रेखाओं के समांतर होता है इन पवनों की उत्पत्ति दो विरुद्ध बलों दाब प्रवणता बल एक दिशा में और कोरियोलिस बल विक्षेपित बल दूसरी दिशा में होने के कारण होती है जमीनी इनहिराफी बाद ऊपरी कुर्रे हवा में हवा का उफकी बहाव जो दो मुखालिफ कौतों के नतीजे में जहूर पजीर होता है यानी शरह फर्क बार कौतें एक सिमत में और कोरियोलिस कॉरियोलिस इनराफ़ोत मुखालिफ सिमत में इस तरह इन हवाओं की हरकत मसाविय बार के मुतवाजी होती है जियो सिंक्लाइन अ मेजर स्ट्रक्चरल डाउनफोल्ड इन द दर्थ क्रस्ट इट इज अ लार्ज इलोंगेटेड बेसन अलोंग द मार्जिन ऑफ अ कॉन्टिनेंट सेडिमेंट्स डिराइव फ्रॉम नेबरिंग लैंडमैस गेट डिपॉजिटेड इन दीज डिप्रेश एंड एक्वायर कंसिडरेबल थिकनेस इट कॉजिस प्रोग्रेसिव सब्सिडेंस ऑफ द जियो सिंक्लिनल फ्लोर एग्जाम्पल टेथी सी सी ऑल्सो टेथी सी भू अभिनती भू पर पटी में एक प्रमुख संरचनात्मक नत्वलन घुमा मोड़ नीचे की ओर हो ये किसी महाद्वीप के किनारे पर स्थित एक विशाल लंबा गर्त है इसमें पास के स्थल भाग से लाया गया अवसाद जमा होता रहता है और काफी मोटाई प्राप्त कर लेता है इससे इस, इस भू अभिनति के तल का प्रगामी रूप से धसाव होता है इस प्रकार के भू अभिनति का उदाहरण तेथी सागर है देखें तेथी समुद्र अर्जी ताउदीस कशरे जमीन में एक बड़ा साख्तियाती मोड़ ये बरआजमी हाशिए के साथ साथ तवील वसी तास है इसमें आसपास के जमीनी तोदों के रसूबात आकर नशेबों में जमा होते हैं और काफी मोटी परत बन जाती है इसके बायस अर्जी तावदेसी फर्श लगातार धंसता जाता है मसलन टैथिस समंदर मजीद देखें टैथिस समंदर जियोथर्मल हीट दैट ओरिजिनेट्स इन दी अर्थ्स इंटीरियर एविडेंसेज ऑफ जियोथर्मल एक्टिविटीज आ हॉटस्प्रिंग्स गीजर्स एंड मड वोल्केनो भूतापीय पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाला ताप भूतापीय क्रियाओं के उदाहरण गाइजर गीजर गर्म पानी के झरने और पंख ज्वालामुखी हैं अर्जी हरारत गर्मी जो जमीन के अंदर पैदा होती है अर्जी हरारत की सरगर्मियों की मिसाल गर्म चश्मे गीजर आतिश विशानी कीचड़ हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट द इंक्रीज इन द दर्थ टेम्परेचर विद डेप्थ फ्रॉम इट्स सर्फिस विच इज नॉट एट अ कॉन्स्टेंट रेट द एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट इज 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर इन द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ भूतापीय प्रवणता धरातल से नीचे पृथ्वी के तापमान में गहराई के साथ होने वाली वृद्धि जिसकी दर एक समान नहीं है पृथ्वी की ऊपरी परपटी में औसत भूतापीय प्रवणता 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है अर्जी हरारत की ढाल जमीन का दर्जय हरारत गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है जिसकी शरह यकसा नहीं रहती है ऊपरी कशरे जमीन पर औसत अर्जी हरारती ढाल बीस डिग्री सेल्सियस फी किलोमीटर है गीजर अ टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग दैट थ्रोज अप जेट्स ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम थ्रू अ होल ऑन सर्फेस ऑफ द अर्थ एट इंटरवल्स व्हिच में बी रेगुलर और द वर्ड हैज डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम एन आइसलैंडिंग गीजर कॉल्ड गीजर Its reference dating back to the 13th century. Geysers are formed under special conditions and hence they are found in a few regions only. There are less than 700 geysers in the world, most of them more than 60% of all geysers are in Yellowstone National Park, USA. The Old Faithful, which shoots at a remarkably regular intervals is one example of geyser. पेज फिफ्टी टू गाइजर एक प्रकार का गर्म पानी का स्रोत या झरना जो पृथ्वी के धरातल पर एक छिद्र द्वारा उबलते पानी और भाप का ऊंचा फव्वारा अंतराल रुक रुक कर पर फेंकता है ये अंतराल नियमित या अनियमित हो सकता है इस शब्द की उत्पत्ति आइसलैंड के गाइजर के नाम से हुई है जिसका उल्लेख तेरहवीं शताब्दी में हुआ है इनका निर्माण विशेष परिस्थितियों में होता है इसीलिए ये कुछ क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं विश्व में कुल गाइजरों की संख्या 700 से कम है और उनमें से अधिकांश गाइजर कुल संख्या 60 प्रतिशत से अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में मिलते हैं वहां का ओल्ड फेथफुल नामक गाइजर जो नियमित अंतराल पर जल फेंकने के लिए जाना जाता है गाइजर का एक उदाहरण है गीजर एक किस्म का गर्म चश्मा जिसमें सतह ज़मीन के किसी सुराख से खोलता हुआ पानी भाप के साथ फव्वारी की शक्ल में वक्फे वक्फे से निकलता है ये मुतवा या गैर मुतवा हो सकता है तेरहवीं सदी ईस्वी से गीजर कहलाने वाला लफ्स आइसलैंड की जुबान से माख़ूज़ है गीजरों की तश्ील मखसूस हालतों में होती है और ये सिर्फ कुछ इलाकों में पाए जाते हैं दुनिया में गीजरों की मजमू तादाद 700 से कम है इनमें सबसे ज्यादा 60% फीसद से जायद रियात हाई मुतहद अमरीका के येलो स्टोन नेशनल पार्क में है ओल्ड फेथफुल मुतवा वक़े से पानी निकलने वाले गीजर की एक वाज मिसाल है घाट इट इज अ हिंदी टर्म इट हैजू मीनिंग्स वन सडन ड्रॉप इन हाइट ऑफ अ रिज लाइन एग्जाम्पल थाल घाट टू एन अप्रोच टू अ रिवर एग्जाम्पल घाट ऑन रिवर गंगा घाट यह हिंदी का एक शब्द है जिसके दो अर्थ हैं पहला किसी पहाड़ी श्रृंखला की ऊंचाई में अचानक आई गिरावट उदाहरण के लिए थाल घाट दो नदी के किनारे तक जाने की सीढ़ी या रास्ता उदाहरण के लिए गंगा नदी के घाट घाट ये हिंदी जबान की इतलाह है इसके दो मानी है एक खते सतीह में ऊंचाई का अचानक कम हो जाना मसलन थाल घाट दो नदी तक पहुंचने का रास्ता मसलन दरियाए गंगा पर बने हुए घाट ग्लेशियर एन एक्सटेंसिव मैस ऑफ आइस विच मूव स्लोली डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लूंस ऑफ ग्रेविटी इट ओरिजिनेट्स इन एन एरिया अब द स्नो लाइन बियॉन्ड द स्नाउट पोजिशन इट इज कंपोज ऑफ स्नो फर्न एंड डेबरी हिमानी या हिम नदी एक विस्तृत हिम पिंड सहती जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ढालों के सहारे नीचे की ओर धीमी गति से खिसकता रहता है इसका उद्गम हिमरेखा के ऊपर के क्षेत्र में होता है इसकी संरचना बर्फ कण हिम एवं मलबे से होती है ग्लेशियर बर्फ का एक वसी तौदा जो कशिशे सकल के बायस आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खिसकता है इसका आगाज नाके के मकाम से आगे खते यख के ऊपर किसी इलाके में होता है ये बर्फ गाला और रसूबों पर मुश्तमिल होता है ग्लोबलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द इकोनोमी ऑफ अ कंट्री टू इन्वेस्टर्स थ्रू रिडक्शन ऑफ द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स भूमंडलीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को निवेशकों के लिए शुल्कों और अन्य अवरोधों में कमी लाकर मुक्त करने की खोलने की प्रक्रिया आलिम महसूली और गैर महसूली पाबंदियों में तखफीफ के जरिए सरमायकारों के लिए किसी मुल्क की मीशत में गुंजाइश निकालने का अमल ग्लोब इट इज अ मॉडल मिनिएटिव फॉर्म ऑफ द अर्थ द टर्म ग्लोबल डिनोट्स कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ ग्लोब ये पृथ्वी का मॉडल या प्रतिरूप सूक्ष्म रूप में है इससे अंग्रेजी का शब्द ग्लोबल भूमंडलीय बना है जो संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है ग्लोब ये मुख्तसर शक्ल में जमीन का नमूना है इस लफ्ज का मतलब जमीन के हर हिस्से का अहाता करना है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड कोऑर्डिनेट पोजिशनिंग इक्विपमेंट दैट कैन क्विकली एंड एक्यूरेटली डिटरमिन द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ पॉइंट ऑन अब दर्थ सर्फिस इंस्टॉल्ड इन व्हीकल्स इट कैन प्रोवाइड डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र उपग्रह आधारित निर्देशांक स्थिति निर्धारक एक यंत्र जो शीघ्रता एवं शुद्धता से पृथ्वी के धरातल पर अथवा उससे ऊपर किसी बिंदु के अक्षांश दिशांतर एवं ऊँचाई को निर्धारित करता है किसी वाहन में लगे होने पर ये दिशा एवं गति की तीव्रता भी बता सकता है आलमी निज़ाम मकामबंदी सैटेलाइट पर मबनी एक मसावी मकामबंदी का आला जो फौरन सतह ज़मीन पर या उसकी सतह के ऊपर किसी मुना मकाम का बिल्कुल दुरुस्त अर्जुलबलद तूलुलबलद और ऊँचाई मालूम कर लेता है गाड़ियों पर नस्ब किए जाने से हरकत की रफ्तार और सिमट का भी पता लगा सकता है पेज 53। ग्लोबल वार्मिंग द ग्रेजुअल इंक्रीज इन दर्थ एवरेज एयर टेम्परेचर इट इज एट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर दीज गैसेज कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट लीडिंग टू वार्मिंग भूमंडलीय तापन पृथ्वी के औसत वायु तापमान में क्रमिक वृद्धि इसका कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता स्तर है इन गैसों के कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है जिससे तापमान में वृद्धि होती है आलमी हिद्दत ज़मीन पर हवा के औसत दर्जय हरारत में बतदरीज इजाफा इसका सबब कर हवा में कार्बन डाईऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता हुआ इरतक होता है ये गैसें ग्रीन हाउस असर का सबब बनती हैं जिसके नतीजे में हिद्दत बढ़ती है नाइस नाइस इज अ ग्रैनुलर कोस ग्रेन क्रिस्टलाइन रॉक इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाईग्रेड रीजनल मेटामोफिजम इट हैज बॉन्ड्स ऑफ कॉट्स एंड फेल्सपा ऑल्टरनेटिंग विद बॉन्ड्स ऑफ माइका नाइस ये एक दानेदार मोटे कण वाला क्रिस्टलीय शैल है इसका निर्माण बहुत प्रबल क्षेत्रीय रूपांतरण के कारण होता है इसमें कॉट्स और फेल्सपार की पट्टियां तथा अभ्रक की पट्टियां एकांतर बारी बारी से पर होती हैं इसका सही तलफ नाइस है ये मोटे दानों की ना हमवार बिलौरी चट्टाने हैं ये ऊंचे दर्जे के इलाकाई अमले तगीर से बनती हैं इसमें कभी संगे मुर्दा के साथ फल्सफार का इम्तजाज पाया जाता है तो कभी का। गोंडवाना लैंड इट रिफर्स टू कॉन्टिनेंट थॉट टू हैव एग्जिस्टेड इन द सदर्नोस्फेयर अबाउट टू हंड्रेड मिलियन ईयर अगो It was formerly part of a single supercontinent called Pangaea. It was separated by Tethys Sea from Laurasia, the counter of Gondwana land. The drifting of plates underlying the Gondwana land led to the formation of India, South America, Africa, Australia, Antarctica. See also continental drift. Gondwana Mahakhand. उस परम महाद्वीप के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द जिसके बारे में मान्यता है कि वह 20 करोड़ वर्ष पूर्व दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था पहले यह पैंजिया नामक एक परम महाद्वीप का हिस्सा था गोंडवाना और लोरेशिया महाखंडों को टेथीस सागर अलग करता था गोंडवाना महाखंड के नीचे की प्लेटों के विस्थापन से भारत दक्षिण अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ देखें महाद्वीपीय विस्थापन गोंडवाना लैंड इससे मुराद एक वसी बर्रे आजम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 200 मिलियन साल पहले जुनूबी निसफ कुर्रे में मौजूद था ये माजी में इकलौते वसी बर्रे आजम का हिस्सा था जिसे पेंजिया कहते हैं ग्वांडा लैंड टेथस समंदर के जरिए लारेशिया से अलग होता है लैंड के नीचे पोशीदा प्लेटो के सिरकने की वजह से हिंदुस्तान जुनूबी अमेरिका, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका वजूद में आए मजीद देखें बर्रजमी सरकाओ। गोज अ डीप एंड नैरो वैली विद स्टीप साइड्स फॉर्मड एज द रिजल्ट ऑफ रैपिड डाउन कटिंग बाय द रिवर महाखड्ड या गौज एक गहरी और सक्री घाटी जिसके खड़े ढालों का निर्माण नदी द्वारा अपने तल को निरंतर काटने के कारण होता है तंग खाई खड़े किनारे वाली गहरी और तंग घाटी जो नदी के नीचे की तरफ तेज कटाव की वजह से बनती है ग्रेबन एन इलागेटेड ब्लॉक ऑफ रॉक डाउन थ्रोन बिट्वीन टू पैरल फॉल्ट ग्रेबेन दो समांतर भ्रंशों के बीच नीचे धसा या खिसका शैलों का एक दीर्घित प्रलंबित खंड शिगाफी वादी दो मुतवासी शिगाफों के दरमियान नीचे की तरफ गिरती हुई चट्टान का लंबा टुकड़ा ग्रेडेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द लैंड सर्फिस टू अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेड ऑल लेवल बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ द तल संतुलन अनाच्छादन के विभिन्न कारकों द्वारा धरातल पर उच्चावच के अंतर को कम करते हुए उसे एक समान तल पर लाने की प्रक्रिया मुस्तहकारी उरियाकारी के मुख्तलिफ अवामिल के जरिए सतह जमीन को बतदरीज हमवार दर्जे या सतह पर लाने का अमल ग्रेडियंट ऑफ अ रेशियो बिटवीन द वर्टिकल डिफरेंस इन एलिवेशन एंड द कॉरस्पिंग हॉरिजोंटल डिस्टेंस ढाल प्रवणता ऊंचाई और उसके सदृश क्षैतिज दूरी के मध्य लंबवत अंतर का अनुपात शरह ढाल बुलंदी के उमूदी फर्क और उसके उफकी फासले के दरमियान का तनासुब ग्रेनाइट, अ कोर्स ग्रेन इग्नियस रॉक विच इज फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ लावा विद इन दर्थ क्रस्ट इज एन intrusive igneous रॉक which इज रिच इन quartz एंड feldspar ग्रेनाइट धरातल के नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण मोटे कणों दानों वाली शैल बनती है यह एक अंतर्वेधी आग्नेय शैल है जो क्वार्स और फेल्सपार में समृद्ध होती है ग्रेनाइट एक दाखिली आतिशी चट्टान जिसमें संगी मुर्दा और फलसपार भरपूर मकदार में पाए जाते हैं कशरे जमीन पर लावा के ठंडा होने से बनी मोटे दाने वाली आतिशी चट्टान ग्रासलैंड अ वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड वेयर द प्रिडमिनेंट नेचुरल वेजिटेशन इज ग्रास इट इज वन ऑफ द फोर मेन सब डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड नेचुरल वेजिटेशन इट इज कैरेक्टराइज बाय इनसफिशेंट प्रेसिपिटेशन फॉर ट्री ग्रोथ And seasonal drought. There are two types of grasslands tropical and temperate. Tropical grasslands called savannas are found in East Africa, North Australia, and Northern South America. Temperate grasslands include prairies of North America, steppes of Central Asia and Russia, weld of South Africa, and pampas of South America. Page 54 घास भूमि भूमि का एक विशाल भाग जहां की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति घास है विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रमुख चार प्रकार में से ये एक है पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए अपर्याप्त वर्षण और मौसमी सूखा यहाँ की विशेषता है घास भूमि दो प्रकार की है उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय घास भूमि जिसे सवाना कहते हैं पूर्व अफ्रीका उत्तर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में मिलती है शीतोष्ण घास भूमि में उत्तर अमेरिका के प्रेरी मध्य एशिया और रूस के स्टेपी दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड और दक्षिण अमेरिका के पंपास हैं घास के मैदान जमीन का एक वसी खा जहाँ घास कुदरती नबातात की हैसियत रखती है ये दुनिया के क़ुदरती नबाता के चार अहम जेली ज़ुमरों में से एक है दरख्तों के नमू के लिए नाकाफी तरसीब और मौसम कहत इसकी खसूसियात है घास के मैदान की दो किस्में हैं हारी और मतदिला हारी घास के मैदान को सवाना कहा जाता है जो मशरकी अफ्रीका शुमाली ऑस्ट्रेलिया और शुमाल जुनूबी अमरीका में पाए जाते हैं घास के मैदानों में शुमाली अमेरिका के प्रेरीज और वस्त एशिया और रूस के स्टेप्स जुनूबी अफ्रीका के वेल्ट और जुनूबी अमेरिका के पैम्पस शामिल हैं ग्रेवल, रॉक पार्टिकल्स लार्ज दैन सैंड ग्रेन्स दैट हैव रिजल्टेड फ्रॉम नेचुरल इरोजन इट इज लार्जर दैन कोस सैंड एंड स्मॉलर दैन कॉबिल कंकड़ बालू के कणों से बड़े शैलों के टुकड़े जो प्राकृतिक अपर्दन से बने हैं ये मोटे कणों वाले बालू से बड़े और गोलाश्मिका से छोटे होते हैं बजरी रेत के जर्रों से बड़े चट्टानी जर्रात जो कुदरती कटाव का नतीजा होते हैं ये मोटी रेत से बड़े और गोल पत्थर से छोटे होते हैं ग्रेविटी the universal force of attraction between two masses such as the sun and the earth the attraction of the earth's mass for objects on or close to its surface is referred to as the earth's gravity गुरुत्वाकर्षण दो द्रव्यमानों जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच का सार्वत्रिक आकर्षण बल पृथ्वी के धरातल पर या उसके पास की वस्तुओं को पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने वाला बल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कहलाता है कुवते कशेश कायनाती सकल जो दो इज्साम के दरमियान होती है जैसे सूरज और जमीन के दरमियान जमीन पर या उसकी सतह के करीब दीकर मादों के लिए उसकी कशिश को जमीन की कशिशे सकल कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट refers to an atmospheric condition, where like a greenhouse, the short-wave incoming solar radiation easily passes through, whereas the long-wave terrestrial radiation from the earth is absorbed and re-radiated back to the earth's surface. The accumulation of greenhouse gases lead to a greenhouse effect. Greenhouse Prabhav Podhadhar Prabhav इसका तात्पर्य ऐसी वायुमंडलीय अवस्था से है जहां ग्रीनहाउस की तरह लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आने वाला सूर्य तप तो आसानी से पहुंच जाता है परंतु पृथ्वी से जाने वाला दीर्घ तरंगों वाला पार्थिव विकिरण पुनः धरातल पर वापस विकिरित होता है और धरातल द्वारा अवशोषित होता है हाउस गैसों के जमा होने से हाउस प्रभाव पड़ता है हाउस असर इससे मुराद कुर्रे हवा की वो हालत है जिसमें ग्रीन हाउस की तरह कलील मौजी दाखिली शमसी अशा आसानी से दाखिल हो जाती हैं जबकि जमीन से तवील मौजी अशा जज्ब हो जाती है और दोबारा सतह ज़मीन की तरफ उनका अशा हो जाता है ग्रीन हाउस गैसों के जमा होने से ग्रीन हाउस असर बढ़ता है ग्रीन हाउस गैसेज Gases whose accumulation in the atmosphere make the earth warm due to greenhouse effect. These gases include carbon dioxide, CO2, methane, CH4, nitrous oxide, N2O, chlorofluorocarbons, CFC, and tropospheric ozone, O3. Greenhouse gases. Padhadhar gases. गैसें जिनके वायुमंडल में संचयन से ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी गर्म होती है इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), टू मैथिन नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन गैस (O3) हैं हैं ग्रीनहाउस गैसें वो गैसें जिनके कुर्रे हवा में जमा होने से ग्रीन हाउस असर के सबब जमीन गर्म हो जाती है इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO2), सी ओ टू मीथेन सी एच फोर नाइट्रस ऑक्साइड एन टू ओ सी एफ सी और मतलूना ओजोन ओ थ्री शामिल हैं ग्रीन रेवोल्यूशन the adoption of modern techniques of agricultural production lead to an increase in productivity of land this transformation mostly occurred in developing countries is known as green revolution this is achieved through the use of high yielding varieties hyv of seeds chemical fertilizers pesticides insecticides and assured water supply through irrigation पेज 55 हरित क्रांति कृषि उत्पादन में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से भूमि की उत्पादकता में आई वृद्धि इस प्रकार का बड़ा परिवर्तन मुख्य रूप से विकासशील देशों में हुआ जिसे हरित क्रांति कहते हैं अधिक उपज देने वाले उत्कृष्ट बीज रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग और सिंचाई द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के कारण ये क्रांति सफल हुई सबसे इनकलाब इनकलाबर पैदावार की जदीद तकनीकों को इख्तियार करने से ज़मीन की पैदावारियत में इजाफा हुआ है ये मुकम्मल तब्दीली ज्यादातर तरक्की पजीर ममालिक में हुई है और इसे सबसे इनकलाब कहा जाता है इस मकसद को ज्यादा पैदावार वाले बीज एच वाई वी की अकसाम कीमियावी खादों कीड़े मार और हशरात कुछ दवाओं और पाषी के लिए पानी की यकीनी फराहमी के जरिए हासिल किया जाता है ग्रेनेच मीन टाइम जी एम टी डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम विच द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर कैलकुलेटेड एट आवरली और हाफ आवरली इंटरवल्स अहेड ईस्ट और बिहाइंड वेस्ट द जी एम टी फॉर एवरी फिफ्टीन डिग्री लॉन्गिट्यूड देर इज अ डिफरेंस ऑफ वन आवर सी ऑल्सो टाइम जोन ग्रिनिच माध्य समय ग्रिनिच लंदन शून्य डिग्री देशांतर का स्थानीय समय जिससे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के मानक समय की गणना आधा घंटा या एक घंटे के अंतराल पर वहां के समय से आगे पूर्व में या पीछे पश्चिम में की जाती है प्रत्येक पंद्रह डिग्री देशांतर पर एक घंटे का अंतर होता है देखें टाइम जोन ग्रीनविच औसत वक्त ग्रीनविच लंदन सिफर डिग्री तुलुल बलत का मकामी वक्त जिससे दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों के म्यारी औकात का हिसाब GMT से आगे मशरक या पीछे मगरिब से एक घंटे या आधे घंटे के वक्फ़े से लगाया जाता है हर पंद्रह डिग्री तूलुल बलत पर एक घंटे का फर्क पड़ जाता है मजीद देखें वक्ती मुंतका ग्रिड अ नेटवर्क ऑफ लाइंस पैरल टू एक्स एंड वाई एक्सेस ड्रॉन एट इक्वल इंटरवल्स विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स दे फॉर्म रेफरेंस स्क्वाय ओवर द फेस ऑफ अ मैप ग्रिड लाइंस आर नंबर्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट कॉर्नर And are referred as northings and eastings. ईस्टिंग्स are आर for फॉर referring रेफरिंग ऑफ Grid, जाल एक्स और वाई अक्षों के समांतर समान दूरी पर खींची गई रेखाएं जो समकोण पर काटते हुए एक जाल बनाती हैं मानचित्र पर ये संदर्भ वर्गों का निर्माण करती हैं इस ग्रिड जाल की रेखाओं को दक्षिण पश्चिम किनारे से उत्तर और पूर्व की ओर संख्यांकित किया जाता है इनका उपयोग स्थानों या बिंदुओं के आपेक्षिक संदर्भ के लिए होता है जाल मसावी वक्फों पर एक्स और वाई महवरों के मुतवाजी लकीरों का जाल जो जाविया कायमा पर एक दूसरे को काटते हैं ये नक्शे के ऊपर हवाला जाती मुरब्बे तश्कल करते हैं ग्रिड लाइनों की अददबंदी जुनूब मग़रबी कोनों से की जाती है और इन्हें शुमाल रुखी और मशरक रुखी लकीरें कहा जाता है इनका इस्तेमाल नुकतों के इजाफी हवाला बंदी के लिए किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जी डी पी इट इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन ओवर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नॉर्मली अ ईयर और अ क्वार्टर सकल घरेलू उत्पाद ये किसी भौगोलिक प्रदेश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक सुनिश्चित समयावधि प्रायः एक वर्ष या इसके एक चौथाई तीन महीने में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापक है मजमू घरेलू पैदावार किसी जोग्राफियाई इलाके में किसी ख़ास मुद्दत के दौरान अशिया व ख़िदम्त की कदर का पैमाना जिससे माशी पैदावार का पता चलता हो अमूमन ये एक साल या उससे एक चौथाई तीन माह की मुद्दत का अहाता करता है ग्राउंड वाटर वॉटर स्टोर्ड इन वॉइड एंड पोर्स इन द सैचुरेटेड जोन बिलो द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड ग्राउंड वॉटर रेन वॉटर रिसीव्ड एट द अर्थ सर्फेस इनफिल्ट्रेट्स एंड पर्कुलेट्स डाउन इन टू द सब सर्फेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड गेट स्टोर्ड अबव द इम्पर्मीएबल लेयर्स part of this stored water emerges to the surface either through streams or springs. It can be extracted through wells. भौमजल पृथ्वी की सतह के नीचे संतृप्त संस्तर में रिक्त स्थानों और छिद्रों में संचयित जल भौमजल कहलाता है पृथ्वी की सतह पर प्राप्त वर्षा का जल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अंत होता है और रिसकर अधस्तल में पहुंचता है ये जल अपारम्य शैलों के ऊपर जमा हो जाता है संचयित जल का कुछ भाग झरनों या नदियों के रूप में पुनः पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है ये जल कूपों द्वारा भी निकाला जा सकता है ज़ेरे जमीन पानी सतह जमीन के नीचे शुदा खत्ते के शिकाफों और मसामों में जमाशुदा पानी को जेर जमीन पानी कहते हैं सतह जमीन पर मिलने वाला बारिश का पानी कौत कशिश के जेरे असर जैली सतह में सराइत करके नीचे उतरता है और गैर नफोजी परतों के ऊपर जमा हो जाता है इस जमाशुदा पानी का एक हिस्सा चश्मों या नदियों के जरिए सतह पर उभर आता है इसको कुओं से निकाला जा सकता है ग्राउंड वाटर टेबल द टॉप ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन इन विच ऑल पोर स्पेसेज ऑफ फिशर्स आर टोटली फिल्ड विद वॉटर द लेवल ऑफ ग्राउंड वॉटर टेबल चेंजेस विद सीजन और एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन सी ऑल्सो वॉटर टेबल भॉम जल स्तर संतृप्त संस्तर का ऊपरी तल जिसके सभी रिक्त स्थान छिद्र और दरार जल से पूरी तरह भरे हों भौम जलस्तर ऋतु या भूमि से जल निकालने की मात्रा के अनुसार घटता बढ़ता है देखें भौम जलस्तर पेज 56। सिक्स जमीन पानी की ऊपरी सतह सैराबी के खत्ते का ऊपरी सिरा जिसमें मसामात की तमाम जगह या दरारें पानी से पूरी तरह भर जाती है ज़ीरे जमीन पानी की ऊपरी सतह मौसमों या पानी निकाले जाने की हद के मुताबिक बदलती रहती है मजीद देखें सतह आब ग्रोइंग सीजन द पीरियड इन अ गिवन रीजन विच इज कंडसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन और क्रॉप्स ड्यू टू अ फेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रोइंग सीजन जनरली डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर द ग्रोइंग seasons इन हाई लैटिट्यूड्स आर लिमिटेड बाय फ्रॉस्ट occurrences. वर्धन काल किसी प्रदेश में वह अवधि जो तापमान और वर्षण के अनुकूल संयोजन के कारण वनस्पति या फसलों की वृद्धि के लिए सहायक हो सामान्यतः वर्धन काल की अवधि विषुवत वृत्त से दूरी के साथ घटती जाती है कुछ अक्षांशों में वर्धन काल पाला या तुषार के कारण कम हो जाता है मौसमी नमू किसी मखसूस ख़त्ते में वक्त की वो मुद्दत जो दर्ज हरारत और तरसीब के खुशगवार इम्तज़ाज की वजह से नबातात या फसलों के नमू के लिए साजगार हो मौसमी नमू की मुद्दत अमूमन ख़ते इस्तवा की दूरी के एतबार से घटती है ऊँचे अर्जुल बलदों पर मौसम नमो पाला पड़ने से महदूद हो जाता है Growth rate of population. The rate at which the population is growing in a geographical area. In estimating the growth rate, the increase in population in a given period is divided by the base population. It is expressed in percentage. It can be measured annually or over a decade. Jansankhya किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने की दर वृद्धि दर निकालने के लिए एक क्षेत्र विशेष में दी गई अवधि में जनसंख्या परिवर्तन वर्तमान वर्ष की जनसंख्या आधार वर्ष की जनसंख्या या अंतर को आधार वर्ष की जनसंख्या वृद्धि से विभाजित करते हैं और उसे सौ से गुणा करके प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि दर को अभिव्यक्त करते हैं यह दर वार्षिक या दशक में मापी जा सकती है आबादी की शरह अफजाइश वो शरह जिस पर किसी जोग्राफियाई इलाके की आबादी में इजाफा होता है शरह अफजाइश का तखमीना लगाने के लिए किसी मुकर मुद्दत के दौरान इजाफाशुदा आबादी को असासी आबादी से तकसीम किया जाता है इसे फीसद शरह में जाहिर किया जाता है इसकी पैमाइश सालाना या दस साल तौर पर की जा सकती है गल्फ लार्ज पोर्शन ऑफ अ सी और एन ओशन पार्शली एनक्लोज्ड बाय लैंड इट इज मोर इनक्लोज देन अंड जनरली टेपरिंग टूवर्ड्स लैंड खाड़ी एक समुद्र या महासागर का बड़ा भाग जो भूमि से आंशिक रूप से घिरा हो ऐसा घिरा हुआ सागरीय भाग जो खाड़ी की अपेक्षा अधिक खुला हो और सामान्यतः भूभाग की ओर सकरा होता जाए खलीज जुजवी तौर पर खुश्की से घिरा हुआ समंदर या बहर आजम का एक बड़ा हिस्सा ये खलीज की बनस्बत ज्यादा घिरा हुआ और आमतौर पर खुश्की की तरफ तंग होता चला जाता है गल्फ स्ट्रीम अ वॉर्म ओशन करंट ऑफ द अटलांटिक ओशन इट ओरिजिनेट्स इन द गल्फ ऑफ़ मेक्सिको एंड फ्लोज नॉर्थ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका यूएसए एंड टर्न्स नॉर्थ ईस्ट नियर फोर्टी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फर्दर टूस्ट इट फ्लोज टूवर्ड्स नॉर्वे एंड द ब्रिटिश आइल्स अंडर द नेम ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म महासागरीय धारा इसका उद्गम मैक्सिको की खाड़ी में होता है और ये उत्तर अमेरिका के पूर्वी किनारे पर बहती हुई उत्तर की ओर बढ़ती है लगभग 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और पूर्व की ओर नॉर्वे और ब्रिटिश द्वीप समूह की तरफ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से बहती है गल्फ स्ट्रीम बहरे अटलांटिक की एक गर्म समंदरी रॉ मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर शुमाली अमरीका यूएसए के मशरक़ी साहिल से होते हुए शुमाल की तरफ बहता है और आगे मशरक में 40 डिग्री शुमाली अरजुल बलत के करीब शुमाल मशरक में मुड़ जाता है आगे मशरक को ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से नॉर्वे और ब्रिटिश आइल्स की तरफ बहता है गली अ वेरी नैरो चैनल ऑन अ स्लोप विद स्पास वेजिटेशन फॉर्म्ड बाय रैपिड सरफेस रन ऑफ हैवी रेनफॉल फॉर एग्जांपल गली ऑफ रिवर चंबल अवनलिका विरल वनस्पति वाले ढाल पर भारी वर्षा से तेज धरातलीय जल के प्रवाह से बना बहुत सकरा जलमार्ग या वाहिका उदाहरण के लिए चंबल नदी घाटी की अवनलिकाएं आप गुज़र किसी ढलान पर बहुत तंग नाला जहां भारी बारिश के बाद सतही पानी की तेजी से बहने की वजह से छदरी निबातात पाई जाती है Letter G of Trilingual Dictionary of Geography for Schools ends here. Read by Neeraj Yadav and Sumbul Shakil. You were just listening to this presentation. Project Coordination, Rajesh Nimesh. Subject Coordination, Professor Savita Sinha. Project Advice, Dr. Bharti Kaushik. Technical Coordination, Bhatilang Lingdo. Framework Advice, Ajit Horo. Assistance in production Kusum Lata produced and directed by Vandana Arimardan and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi India